सोनिया मुस्तफ़ा, पाकिस्तान की फ़र्स्ट वुमेन रेफरी जिसने फीफा का फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट क्लियर किया। आई एम द फर्स्ट फाउंडर ऑफ बलूचिस्तान वुमेन फ़ुटबॉल अकेडमी। जैसे कि आज आप सब यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास पहले एक क्लब था। हमने स्टार्ट 2018 से लिया था, जब हमारे पास नेशनल टीम थी। तब स्टार्ट हमारे पास 3-4 लड़कियाँ थी जो खेलना चाह रही थी, तो फिर हमने ये इनिशिएट लिया कि वाई नॉट हम एक छोटा सा क्लब क्यों ना बना लें लड़कियों के लिए और हम एक प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। बट उस टाइम हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो हमारे पास करंट गवर्नमेंट ने हमें दी है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। जैसे कि आजकल हमारे डिफरेंट फुटसॉल ग्राउंड्स बने हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। और इससे पहले हमारी फ़ीमेल्स को अगर कहीं जाना होता था तो 1 मंथ बिफ़ोर सिर्फ कैंप लगता था या 1 वीक बिफ़ोर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी न्यू गवर्नमेंट आई है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। हमें यहाँ पे फुटसॉल ग्राउंड दिया है, फुटबॉल ग्राउंड दिया है, बाकायदा इंडोर ग्राउंड भी हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, सर इमरान साहब ने इंडोर ग्राउंड दिया है। है और मैं कोयटा की रहने वाली हूँ। फ़ुटबॉल प्लेयर भी हूँ, खेलती हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली ही सोनिया को देख के, वो मेरी इंस्पिरेशन है, उनको देख के मैंने जो है रेफरीशिप स्टार्ट की है। हिंदुस्तान फ़ुटबॉल एकेडमी में मैं रोज़ाना आती हूँ। अच्छी इसका इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो वो मुझे अलाउ करती हैं। वो आती हैं फ़ुटबॉल के इवेंट देखने आती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वो बहुत रिलैक्स हैं, हमें आने देती हैं। और भी गर्ल्स हैं यूनिवर्सिटी में जो मुझे देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही है। वो चाहती हैं कि हाँ वो भी हमें ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह वो जो है फरवरी में हमें ज्वाइन करेंगी बहुत सारी गर्ल्स। क्लब था हमारा, लेकिन क्लब के बाद क्लब में 12 लड़कियां हम रख सकते हैं। और सेकेंडली ये था कि हमारी स्ट्रेंथ 12 से बढ़ती गई। जैसे गर्ल्स हमारे पास 25 प्लस हो गई, तो हमने ये सोचा कि हम इस क्लब को प्रॉपर एक एकेडमी का नाम दे देते। तो फिर हमने एक एकेडमी लॉन्च की जिसके आई एम द फर्स्ट फाउंडर के। मैंने बलूचिस्तान की डिफरेंट, हमारे बलूचिस्तान में डिफरेंट कम्यूनिटी है, हज़ारा, बलोच, पठान, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, ये सारी हमारी बलूचिस्तान की कम्यूनिटी में आती है। तो ये एक वाहिद हमारे पास एकेडमी है बलूचिस्तान के अंदर जिसमें सारी कम्युनिटी आके इस एकेडमी के अंदर खेल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लड़कियों के लिए भी, और एक अच्छा एनवायरनमेंट हमने बच्चों को दिया है कि जब भी वो यहाँ पे आती है सेफ़ एंड सिक्योर माहौल उनको मिलता है। पेरेंट्स को जब भी कोई इवेंट होता है तो हम स्पेशली उनके पेरेंट्स को इन्वाइट करते हैं कि आप आए और इवेंट देखें, ताकि वो ये माहौल देख के बच्चों के लिए सख्तियाँ होंगी जब तक हम उनकी फैमिली को ये नहीं बताएँगे बुला के कि यार यहाँ पर सेफ़ एंड सिक्योर माहौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इन्वायरमेंट देख के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हुए हैं और माशाल्लाह अभी हमारी एकेडमी की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। एकेडमी का जो हमने नेम बाकायदा लॉन्च किया है, बलूचिस्तान वुमेन फ़ुटबॉल एकेडमी। फीफा के बैन लगने के बावजूद हम अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं कि हम प्लेयर्स बना सकें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पहले तो बलूचिस्तान नेशनल लेवल पे, और इंशाल्लाह नेशनल से ही आगे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बलूचिस्तान की लड़कियां आगे इंशाल्लाह जाएगी। हमारी कोशिश तो यही है कि हम लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें आगे, उनके साथ जाहिर सी बात एक मेहनत होगी। आप एक प्लेयर को पॉलिश करोगे तो वो बनेगा ना। अगर एक इवेंट से पहले 10 दिन की आप उनको ट्रेनिंग दो तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हो सकती। ये मैं बताऊंगी कि पंजाब की जो टीम ए है बाकायदा उनको फुली गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है कि वो बच्चियाँ, उनकी टीम पूरा साल ट्रेनिंग करती है, पूरा साल उनका प्रॉपर कैंप लगता है। लेकिन बलूचिस्तान में ये सिस्टम अभी तक नहीं आया। इवेंट से पहले कैंप लगाया जाता है, पूरा साल कैंप नहीं होता। इसीलिए पंजाब आगे जाएगा क्योंकि वो पूरा साल ट्रेनिंग कर रहा है। सबसे मेन बात बच्चियों के लिए है कि वो पहले पेरेंट्स को ट्रस्ट बिल्ड करेंगे पेरेंट्स के साथ, तो क्योंकि आजकल के जो हालात है लड़कियों को बाहर छोड़ना बहुत हार्ड सिचुएशन है। फैमिली सोचती है कि यार लड़की है कैसे छोड़े। और सबसे बड़ी बात बलूचिस्तान है, तो हमें अपना कल्चर, अब जैसे हमारी एकेडमी, हम कल्चर को देखते हुए स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम फर्दर कोशिश करेंगे कि हम पेरेंट्स को भी अपने साथ ऑन बोर्ड ले, ताकि वो ये चीज़ें देखें कि वाकई लड़की एक सिक्योर माहौल में, जब तक सिक्योर फैमिली फील नहीं करेगी तो अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकती।